डियर टीम, इस वीडियो हम जानेंगे कि आप बिटप्लान प्रो के थ्रू अपनी लीव कैसे अप्लाई करेंगे। इसके लिए आपको बिटप्लान प्रो को ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसमें फिफ्थ ऑप्शन है लीव, जिस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन माय लीव, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन शो हो रहा है अप्लाई लीव, नीचे जो बटन आ रहा है अप्लाई लीव का, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको लीव टाइप सेलेक्ट करना है। लीव इसमें आप फुल डे, हाफ डे और शॉर्ट डे लीव डाल सकते हैं। फुल डे में आपका नंबर ऑफ डेज में 1 आ रहा है। आपको अगर एक दिन की लीव चाहिए तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 है। फ्रॉम डेट सेलेक्ट करेंगे आप कि आपको कब की लीव चाहिए। मैं इसमें मंडे डाल देता हूँ, 17। ओके किया तो ये 1 डे की हो गई। अगर आपको ज़्यादा लीव चाहिए 1 डे से तो आप इसमें टाइप कर सकते हैं, तो ये ऑटो हो जाएगा डेट 17 to 21। मैंने 5 डेज डाला है, 2 करेंगे तो 17 to 18। इस तरीके से नंबर ऑफ डेज चेंज कर सकते हैं। रिमार्क्स में आपको डालना है कि आपको किस रीजन से लीव चाहिए। अर्जेंट पर आपको नीचे सिंपली सबमिट करना है। इसको सबमिट करने के बाद आपकी लीव यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन आ रहा है अप्लाइड, अप्रूव, अनअप्रूव। अप्लाइड में आप जाएंगे, आपने 2 दिन की लीव ली थी, 17 and 18। इस तरीके से आप इसमें लीव अप्लाई कर सकते हैं। या भी अप्लाइड में जैसे ही आपके HOD इसको अप्रूव करेंगे तो आपका ये अप्रूव हो जाएंगे। अगर ये अनअप्रूव करते हैं इसको तो ये अनअप्रूव में आ जाएगी। इसके लिए आपको वेट करना है HOD का। अब जो भी HOD हैं वो लीव कैसे इसको अप्रूव करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना है, HOD को अपना बिटप्लान प्रो ओपन करना है। ओपन करने के बाद लीव में जाना है। लीव में जाने के बाद उनको जाना है टीम लीव में। टीम लीव में जाने के बाद अप्लाइड में आ रहा है 2 कि उनके जो भी टीम है उसमें से किसी ने 2 लीव अप्लाई की हुई है। इस पर क्लिक करेंगे, इसमें नाम आ रहा है, ERP नेम, टेस्ट अकाउंट था मेरा, टेस्ट ERP आ गया। डेट आ रहा है 18 and 17। अप्लाइड लीव है 1 डे की है उन्होंने, हाफ डे करते तो उसमें हाफ डे का आ जाता। अब उनको इसको अप्रूव करना है। अप्रूव करने के लिए इस पर अगर उनको सिर्फ एक ही लीव अप्लाई अप्रूव करनी है तो 17 पे क्लिक करेंगे। ऊपर जो प्लस का साइन आ रहा है इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करने के बाद चेंज पे जाना है। चेंज स्टेटस आ रहा है, चेंज पे क्लिक करेंगे। इसमें आ रहा है अप्रूव्ड और अनअप्रूव्ड। अप्रूव करते हैं इसको, रिमार्क्स एंटर कर सकते हैं वो, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पर सबमिट करेंगे, एक लीव अप्रूव हो चुकी है। आप देखेंगे 17 जो भी हमने अप्रूव की थी वो अप्रूव में जा चुकी है। अब जो 18 है उसको हमें अनअप्रूव करना है कि हमें लीव नहीं देनी है उनको। चेंज स्टेटस पर जाएंगे वापस से, अनअप्रूव करेंगे, रीजन हम डाल सकते हैं और सबमिट करेंगे। इसको सबमिट करना है, यहाँ से बैक आएंगे, चेक करेंगे, दोनों लीव हट चुके हैं क्योंकि हमने को अप्रूव किया था, एक को अनअप्रूव किया था। अब जो एम्प्लॉय हैं जिन्होंने इस लीव को किया था अप्लाई, अब वो उनको चेक करना है कि लीव उनकी अप्रूव हुई है या अनअप्रूव हुई है। इसके लिए उनको वापस से माई लीव में जाना है। माई लीव में जाना, अप्लाइड में आप देखिए 0 आ गया उनका क्योंकि वो लीव वहाँ से उन्होंने अप्रूव कर दी थी। तो अप्रूव में जाते हैं, 2 दिन का इन्होंने पहले डाला हुआ था 13-14 का। 17 के लिए हम चेक कर रहे थे, 17 उन्होंने डाला हुआ है L 1, मतलब एक अप्रूव हो गई है 17 की और एक अनअप्रूव में आ गया है। तो अनअप्रूव कौन सी हुई है, 18 जैन 18 की उनकी अनअप्रूव हुई है। इस तरीके से वो चेक कर सकते हैं कि मेरी कौन सी लीव अप्रूव हुई है, कौन सी अनअप्रूव हुई है। इस तरीके से आप बिटप्लान प्रो में जाके अपनी लीव अप्लाई कर सकते हैं और उनके HOD अप्रूव या अनअप्रूव कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।